सुबह के हो गए हैं 7, रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। नॉट श्योर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। हमारा अभी कोई ऐसे प्लान नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। बस अभी अटल टनल तक सोचा है, उसके बाद हम प्लान करेंगे क्या करेंगे। होपफुली जो भी होगा बढ़िया होगा। बढ़िया होगा तो फिर कैमरे पे तो दिख ही जाएगा, क्यों मैडम? बिल्कुल सर। अब बिल्कुल बाहर निकल गए मेन गली में। ये हम निकल गए हैं मॉल रोड से। अभी मॉल रोड से ऑलमोस्ट अराउंड 20 मिनट्स का रास्ता है अटल टनल के लिए। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि आपको बताया था पहले भी, माइट भी हम केलोंग वाली साइड जाएं, माइट भी केलोंग से थोड़ा आगे चस्पा तक जाएं, कुछ भी हो सकता है। साइड का नज़ारा, सामने का नज़ारा, नज़ारे ही नज़ारे हैं बस, नज़ारे और सुकून और ठंडक। सॉरी, साथ साथ सॉन्ग भी चल रहा था, कॉपीराइट ना आ जाए इस पे। लेट्स सी, देखो ये चीजें ना ट्रैफिक जाम भी कर देती हैं, बट हाँ इनको देख के थोड़ा सही भी लगता, अच्छा भी लगता है। यार कितनी अच्छी जगह पे हम लोग। सुबह मॉर्निंग में अच्छा लगता है घूमना। दोपहर में धूप बहुत तेज हो जाती है पहाड़ों पर, एक ब्राइटनेस सी आती है इसमें ना, एकदम फ्रेश फ्रेश दिखता है सब कुछ। ये अपना केलोंग और अटल टनल की साइड जा रहा है। जो रोहतांग से लोग जाते हैं वो गुलाबा से होते हुए जाते हैं, जिनको अटल टनल जाना है वो सीधा इस रास्ते से जाएंगे अटल टनल वाले से। सोलंग वैली पहुंचने वाले हैं। तो सोलंग गली हम पहुंच गए। अभी हम कुछ खाने के लिए निकले हैं, थोड़ी सी भूख लगी, ब्रेकफास्ट तो बनता है, मैं भी एक परांठा खाए, वही पहाड़ों में जो चलता है। उसके बाद हम सोलंग से निकलेंगे। बाकी ये देखो सोलंग गली के नज़ारे, ये हमारा ढाबा है जहाँ पे हम खाएंगे। लो जी परांठा हमारा आ गया चाय के साथ। Buy a bike like a Harley, totally do so gnarly. God got me, can't harm me. I got armor and an army. हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। वो रही केबल कार, दिखता है ना रोप वे, ये रोप वे। और ये अभी विंटर्स में पूरा स्नोफॉल से भरा होता है पूरा का पूरा। यहाँ से रह गया अटल टनल ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, और उससे पहले के नज़ारे थोड़े से एक बार इस साइड, वाओ बर्फ के पहाड़ों के साथ। एक तो सबसे सीधी दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट अभी तक, बीच में है हालांकि मोड़ रही है लेकिन हमें स्ट्रेट सी दिख रही है। काजा सुंदो और एक जाता अपना लेह लद्दाख वाली साइड पे, कारगिल श्रीनगर ये सारा एक साइड होता है। फिलहाल हम लेह लद्दाख वाली साइड मुड़ेंगे, जाएंगे कहाँ तक ये different summer different car keys, I'm the life of the party, might buy a bike like a Harley, totally do so gnarly, God got me can't harm me, I got armor and a army, battle scars battle smartly, just forever like a sharpie. Itna acha waterfall reh raha, itni unchai se, get it down never going back, I get to a fence I got you back, I guess I'm gonna get to har ek pahad alag dikhta hai yahan, har ek pahad beauty beauty पर अलग अलग कैंप भी लगे हुए हैं इस जगह। वाओ वो देख रहे हैं आप।
टांडी के आर्मी ट्रांजिट कैंप पास कर हो रहे बीआरओ हर काम देश के नाम वाकई नो डाउट टांडी यहाँ से 6 किलोमीटर कैसे पहाड़ों को काट कर रास्ता निकाला गया है ये एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं एक तरफ पहाड़ खड़े हैं दूसरी तरफ नदी बह रही है वाओ तरह का पहाड़ है ये मे बी इस पहाड़ पर शायद लैंडस्लाइडिंग होती हो पूरा एरिया ओ देखो ये जंप लग रही है लैंडस्लाइडिंग हुई भी है पहले की अब थोड़ा ऐसा लग रहा है गरम गरम सा ना गरम सा इसलिए लग रहा है गाड़ी बंद है और साथ में हम लोग अभी जो है धूप भी तेज हो रही है और बाय द वे हम काफी नीचे आ गए पहाड़ों से काफी नीचे आ चुके हैं अभी हम नीचे मतलब काफी डाउन में आ चुके हैं जो ऑलमोस्ट रिवर के बराबर में थोड़ा सा डेंजरस जोन है लैंडस्लाइडिंग तो खैर यहां होती ही होगी जिस तरह से दिख रहे हैं ये पहाड़ हमें अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रही अभी अगर बारिश हो रही थी थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसी पहाड़ के नीचे बिल्कुल गाड़ी पार्क कर रखी है और ये देखो पहाड़ और यहाँ मैम आ चुकी है ये देखो सुंदर प्यारी सी भेड़े इनके झुंड को देख के जो मजा आता है ना उसका अपना ही मजा है ये देखो कितनी प्यारी है वाओ और यहाँ से पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल भराया अभी स्काई देख रहे हो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर विद क्लाउड्स अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि हमें किस साइड जाना है और 30 किलोमीटर उदयपुर बनारस दिल्ली बस इन सारे किश्तवाड़ अच्छा ही किस्तवा होगा तो हम किस साइड जाएंगे हमें किस साइड जाना है तो क्लोंग यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है और कुछ हमें यहाँ लोकल्स मिले हैं तो उन्हें हम क्लोंग तक ड्रॉप करने वाले हैं और इन्हीं भैया ने हमें बताया है कि क्लोंग अभी 6-7 किलोमीटर तो भैया आप लोग सब यहीं रहते हैं किस साइड में तो ये क्लोंग से आगे एक क्या पड़ता है एक और भी है ना जिस बात लेक कहाँ से स्टार्ट हो जाता है लद्दाख जो रीजन है बारालाचक जो आता है वो किस में आता है वो इसमें लेक हम गए आप लोग घूमे नहीं है वहाँ तक अच्छा क्लोंग से आगे निकल चुके हैं Going up. इधर देखो क्या किसी ने पुकारा इस हीरो को दोबारा या मैंने पुकारा अपने हीरो को दोबारा कॉपीराइट जाते हैं आयान सिंह लांगे को सरचू पास यहां से दिखा रहा है अराउंड 80 किलोमीटर Get it till I'm never going Get it till I'm never going बड़ा पत्थर तो नहीं है ना देख रहे हो आप यहाँ का व्यू वाओ अकेले अकेले ऊपर आ जाते हैं देखने आया था ये क्या है एक्चुअल में बढ़िया व्यू हो सकता था कहीं पे आवाज तो आ ही रही होगी आनी भी चाहिए ये है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कौन सी लेक है ऐसी जगह पे एक लेक बनी हुई है देखो पानी कहाँ से आ रहा है लेक में वो देखो वहाँ से बहुत दूर से
कहाँ से आ रहे हैं? बस थोड़ा सा लेक को तो देखना बनता है। एक बार चीज पर टच किया तो मजा कैसे आ गया, गिरने वाला था पर गिरा नहीं, थैंक गॉड बेइज्जती होने से बच गई। इधर ठंडा पानी है स्लिप नहीं करना, बाकी सब ठीक है। याद है एक काम कर दो, फोन छोड़ के आ गया मैं। शिट। Cloudy days turn to sun rays. Only way to way up way. Know my way, know my feng shui. निकले परी, बहुत एंजॉय किया। गाड़ी के बोनट पे बैठने का ना नजारा ही कुछ और है। ये माता का मंदिर है यहाँ पर एक। अब हम पहुँच गए जिंग जिंग बार। वाव वाव, गॉड ब्लेस यू बेबी। सूरज ताल पहुँच चुके हैं। देख रहे हो क्या मस्त है, लग रहा ना कुछ है। ये हम आ गए बारचुला पास और ये बर्फ के पानी से निकलते हुए आहा, ठंडा ठंडा कूल कूल। कैसा लग रहा है मैम आपको? मुझे क्या फीलिंग आ रही है, मैं क्या बताऊं? मतलब बताओ ना, क्या क्या बताना, क्या बताओ? अभी आपको पता चलेगा कितनी ऊंचाई पे है। 4,850 meters. Going up, going